नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। आज हमारे यूट्यूब के चैनल में रूबरू कार्यक्रम के तहत हम आज एक और शख्सियत के साथ आपके साथ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रसन्नांशु जी, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य का बहुत बड़ा नाम, देश विदेश में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, अपनी शैक्षिक गतिविधियों से और साहित्यिक गतिविधियों से आज इस इंटरव्यू के तहत आपसे उन कुछ अनछुए पहलुओं पर बात होगी, उन अनछुए प्रश्नों पर बात होगी जो अब तक किसी भी तरह आवाम के सामने नहीं आ पाए हैं। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे ये कार्यक्रम की जो श्रृंखला है रूबरू, इसके तहत हम एक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि देश और दुनिया में जो हमारे हमारी जो धरोहर है वो अपनी बात को किसी ना किसी सलीके और तरीके से भारत और भारत के बाहर अपनी बात को पहुंचा रही है। तो मैं बड़ा सीधा सीधा एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कि आपका अंग्रेजी साहित्य में और हिंदी साहित्य में और जहाँ तक तो मुझे जानकारी संस्कृत साहित्य में भी आप उनको समान रूप से आप काम कर रहे हैं, ऐसा आरंभिक तौर पर कब सोचा आपने कि मुझे साहित्य में काम करना चाहिए या हिंदी साहित्य में शेष काम करना चाहिए या अंग्रेजी साहित्य में शेष काम करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, ऐसा शायद कभी सोचा नहीं जी, और ये स्वतः होता चला गया। पर संस्कृत का जहाँ तक आपने जिक्र किया, संस्कृत साहित्य में तो अधिक कार्य नहीं है जी, पर संस्कृत में मेरे गुरुजी आचार्य राम शास्त्री वैद्यजी स्वर्गीय जी, तो उनका जरूर प्रोत्साहन था, प्रेरणा थी कि मैं अंग्रेजी और संस्कृत को समान रूप से बोल सकूं जी। उस समय ऐसा भी आया कि मैं बोलता था संस्कृत में, अब तो कोई ऐसा परिवेश नहीं है जी। तो ये दो भाषाएं प्लस हिंदी का कुछ कुछ घर से भी मिला जी, और कुछ हमारी एक स्वर्गीय शिक्षिका थी जी, मिसेस कुसुम सिंघा, उनका स्वर्गवास अभी कुछ समय पहले ही हुआ है जी, तो उनका भी प्रोत्साहन मिला और ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जीवन में होती रहीं जी, ये इन भाषाओं की तरफ रुझान हुआ जी। जिस तरह से आपका, मैं बायोडाटा भी पीछे पड़ रहा था, उससे पूर्व के मेरी बहुत सारी जगह आपकी मुलाकात है, मैं आपकी शैक्षणिक योग्यताओं की तरफ देख रहा था, तो बड़ा स्पष्ट चीज़ है कि इतनी शैक्षणिक योग्यताएँ बड़ी दुर्लभ मिल पाती हैं। ये आपने सोचा कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना ज्ञान अर्जित करना है, या निरंतर जीवन के समय के साथ साथ होती रही? मैंने जी शायद एमए करने का तो सोचा था जी, मास्टर्स डिग्री तक पहुंचूं मैं जी, और बीएससी के बाद एक ऐसा समय आया था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए जी, तो उसमें जर्नलिज्म का अध्ययन किया थोड़ा जी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा जी, उसके बाद भाषा विज्ञान की ओर भी प्रवृत्त हुआ जी, और फिर लगा कि शायद शिक्षा अब यहीं रोक देनी चाहिए, घर को मेरी आवश्यकता है जी, और मैंने कुछ काम करने प्रारंभ किए, नौकरियां दी, काम किए, तरह तरह के प्रयास किए जी, पर जब मैं एक काम कर रहा था, मैंने एक अनुवाद की एजेंसी प्रारंभ की थी जी, जिसमें कि देश और किस समय की बात रही होगी, 1990-95 के बीच जी जी, तो मैंने इंटरनेशनल ट्रांसलेशन हाउस नाम से एक संस्था शुरू की थी जी, जिसमें लगभग 300 अनुवादक थे अनेक भाषाओं के, देश और विदेश की जी, और उसमें देश और विदेश से लोग अनुवाद के लिए हमारे पास आते थे, क्योंकि उस समय इंटरनेट शुरू हो चुका था जी जी, ईमेल का युग प्रारंभ हो चुका था, जो भी वो समय था जी, बिल्कुल सटीक तो याद नहीं है हाँ, उसके आसपास जी, तो व्यापार में उसको व्यापार भी कह सकते हैं, व्यापार ही था, चाहे वो एकेडमिक्स से जुड़ा हुआ था, वो करने के बाद मुझे एक खालीपन का अनुभव होता था जी, शाम को ऐसा लगता था कि एक दिन खराब हो गया, तो ये जब कुछ समय तक चलता रहा तो अंततोगत्वा ये स्थिति आई कि मैं वापस यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ पड़ा जी, और वहाँ जाकर मैंने एमफिल में एडमिशन ले लिया, और फिर थोड़े दिन मन को बहलाता रहा,
कि काम भी चलता रहेगा और पढ़ाई भी चलती जाएगी। जी जी। पर बहुत जल्दी ऐसा समय आया कि मुझे दोनों के बीच में निर्णय लेना आवश्यक हो गया। जी। तो मैंने सोचा कि अब पढ़ाई ही करते चलिए, तो सोचा था एम फिल कर लेते हैं। जी। एम फिल किसी तरीके से हो गई। जी। उसके बाद सोचा, मन को बहकाता रहा क्योंकि दिमाग एक तरफ जा रहा था, दिमाग तो समझा रहा था कि आप कमाई करिए, निकलिए। जी जी। और पढ़ाई में कोई कमाई जो है उसका योग अधिक होता नहीं है, आपको अच्छी तरह पता ही है। तो दिमाग के कहने पर भागता रहा यूनिवर्सिटी से, पर दिल के कहने पर एडमिशन ले लिया पीएचडी में। जी। सोचा कि चलो वो भी चलती रहेगी, पर हुआ ऐसा कि धीरे धीरे पीएचडी भी हो गई। जी। धीरे धीरे और काफ़ी कष्टों से, आराम से नहीं होता ये सब। और उसके बाद लगा कि चलो अभी अंत हो गया। जी। उसके बाद फिर लालच। ये मास्टर डिग्री के बारे जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपके पास तो कई सारी मास्टर डिग्री है, मैं जरा बड़ा व्याख्या के साथ आपसे पूछना चाहूँगा। जी। हाँ, फिर कुछ अवसर मिला विदेश में जाकर जी अध्ययन करने का, क्लिनिकल लिंग्विस्टिक्स, यूरोपियन मास्टर्स इन क्लिनिकल लिंग्विस्टिक्स में। जी। मैंने एक मास्टर्स डिग्री ली एमएससी की। उसके बाद फिर विदेश में ही एक जनरल लिंग्विस्टिक्स की डिग्री प्राप्त हुई। जी। और उसके अतिरिक्त अंग्रेज़ी में एक मास्टर्स डिग्री है, और हिंदी में भी प्रयास किया था। जी। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वो पूर्ण नहीं हो पाया। जी। और लॉ की ओर प्रवृत्त हुआ, थोड़ा लॉ पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ा, थोड़ा एविएशन में भी रुचि हुई। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो भी लाइसेंस है आपके पास। तो इस तरह जीवन चलता रहा और डिग्रियाँ आती रही। इतनी सारी आप जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक तरफ साहित्य का वातावरण, एक तरफ संघर्ष का वातावरण, एक तरफ आपकी शैक्षणिक योग्यता का वातावरण, इतनी सारी जो स्थिति आपके सामने रही और संघर्ष अपनी जगह है, आप कैसे सामंजस्य बिठा पाए? आप एक तरह आपको संघर्ष भी करना है, एक तरह आपको प्रभेश भी देखना है, एक तरह आपको शैक्षणिक योग्यता भी देखनी है, तो एक इन सारी चीज़ों के बीच में आप कैसे सामंजस्य बिठा पाए, आखिर ऐसे कैसे कर पाए? मैं तो यही सोचता हूँ कि मैंने कुछ अधिक नहीं किया। जी। और होता चला गया। जी जी। संघर्ष से आप भाग नहीं सकते, संघर्ष तो आपके गले में पड़ जाता है और वो आपको छोड़ता नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए। संघर्ष चलता रहा। शैक्षणिक योग्यताओं के प्रति एक स्तर पर के बाद मैंने प्रयास नहीं किया। जी। वो आती नहीं सोचा, बस रुचि हुई। अभी भी मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी भी शायद मैं ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ बुद्धिज्म टाइप को। अच्छा। तो अच्छा लगा। जी जी। उसे ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। इस प्रकार चलता रहा। नहीं, जिस तरह से ये शैक्षणिक योग्यता की आपकी बात रही, जो आपके अनुभव का संघर्ष की बात रही, आपने अंग्रेजी में बहुत साहित्य लिखा है, अंग्रेजी के साथ में आपने हिंदी में भी साहित्य लिखा है और आप लिख रहे हैं निरंतर। ये दोनों जो विधायक से सूत्र जो आप काम कर रहे हैं, किस तरह से कर पाते हैं, किस तरह से आपके जो समय का सामंजस्य है उसको कैसे, और उसके बावजूद भी आप नर्मदा यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, तो एक तरह आपका जॉब, एक तरफ साहित्य, एक तरफ और भी अन्य सारी जो गतिविधियाँ हैं जिसमें आप में हम लोग देखते हैं, मसरूफ रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो कैसे कर पाते हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं सारी चीज़ों के लिए? इसमें मुझे लगता है जी कि कहीं ना कहीं जो गीता में संदेश है जी, उससे मुझे बहुत लाभ मिला। जी। जैसे मैं ये सब करता नहीं, मैं बस आनंद लेता हूँ, तो इन चीज़ों का आनंद ले रहा हूँ, समय तो अपने आप निकलता है। अगर इसको काम की तरह किया जाए तो बहुत मुश्किल है, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। जी जी, बिल्कुल। तो जैसे कविता है वो मेरी अपनी रुचि है, उसमें कोई रुपये पैसे का और कोई साधन तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आपके साथ भी मैं जुड़ा ही हूँ। जी। इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल में संरक्षक के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले दिल्ली पोएट्री सर्कल में हम साथ में थे। हाँ, आप उसके संस्थापक रहे हैं, आपके कदमों से ही दिल्ली पोएट्री सर्कल का एक रूप उभर कर सामने आया, फाउंडिंग प्रेसिडेंट के रूप में। जी बिल्कुल बिल्कुल। संस्थापक सदस्य हम थे। बिल्कुल बिल्कुल। अन्य लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अतिरिक्त अब P3 पोएट्री ग्रुप, हाँ, बड़ा एक्टिव ग्रुप है पूरे भारतवर्ष में, हम लोग उसको देखते हैं आपके पोएट्री ग्रुप को। लेकिन अब जिस तरह से आप इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल के संस्थापक सदस्य हैं, संस्थापक ट्रस्टी हैं, उसके आप प्रधान संरक्षक हैं, आप एक तरह से पिता में हैं,
उनके साथ साथ भी आपकी ये परिकल्पना की पी थी जो ग्रुप है जो देश और दुनिया में हम लोग देखते हैं बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, सब भाषा में काम कर रहा है, ये परिकल्पना आपके मन में कब से आई? परिकल्पना कोई बड़ी कल्पनाएं परिकल्पनाएं मैं नहीं करता हूँ जी, बस जैसे जीवन को नदी की तरह मानता हूँ, जिधर बहाव ले जाता है उधर मुड़ जाना चाहिए। शायद नदी जो है कोई एक खाका लेकर, नक्शा लेकर, ड्राफ्ट लेकर नहीं चलती, जहाँ जहाँ चट्टानों के साथ उसे संघर्ष करना है वहाँ टकराती है जी, और जहाँ पे उसको लगता है कि रास्ता यहीं से बनाना है वहीं से निकाल के चलती है। बिल्कुल, और कोमल रहती है हमेशा, निर्मल रहती है। नदी और चट्टान का जो मैंने उदाहरण दिया जी, उसमें संघर्ष है पर टकराहट कोई कैलकुलेटेड नहीं है जी, वो तो राह बनाने के लिए चलता जाता है, तो उसी प्रकार से है। अब जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही है कि हिंदी में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अभी पीछे आपके संपादन में कई सारे हिंदी के काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, अभी भी भविष्य में हो रहे हैं, तो ये जो आप संकलन जो करते हैं या जिस तरह से आपके हमने पीछे आपके कई संकलन जो आपके संपादन में हुए उसमें देखा कि उसमें हर तरह के भी समझे कि जो हमारे नए आने वाले साहित्यकार हैं उनको भी आपने समेटा, पुराने जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनको भी समेटा। आप इस सोच के साथ, मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो आप बताएंगे, कि आप चाहते हैं कि कोई साहित्य में कोई छोटा बड़ा ना रहे, कोई रेखा ना रहे, कोई पर्दी ना रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः आप सोचते होंगे तो उस तरह से इन जो हिंदी के जो संकलन हैं जो आपके संपादन में आ रहे हैं पीछे भी काफ़ी संख्या में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले प्रश्न का थोड़ा और मैं विस्तार करता हूँ जी। बिल्कुल, ये जैसे P3 ग्रुप बना जी, तो मैंने नदी और चट्टानों की बात करी जी, उसी प्रकार से मुझे अपने साथ में ऐसा लगता है कि कविता की बात करने वाले लोग मिल सकें जी, तो अपने तरह के लोग कुछ उसमें जोड़े, उसमें मित्रों का समूह है वो मूल रूप से जी, और कवि मित्रों का, उसके अंदर और कोई बड़े उद्देश्य नहीं है जी, पर इससे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है। दूसरा बड़ा उद्देश्य है कि कविता बुरी तरह से भटकी हुई है आज जी, कविता में कहीं मैं मंच को नीचा नहीं मान रहा, पर मंचीय कविताएं जो है वो कमर्शियल होती जा रही है। बिल्कुल सही बात, टीवी पर हो रहा है बिल्कुल, और उसमें उद्देश्य कविता का रही नहीं है, मर भी नहीं जाएगा बिल्कुल, उसके अंदर जो साधारण चीज़ें हैं वही बिक रही हैं जो बेची जा सकती हैं, भावनात्मक और ऐसी भावनात्मक जो कि आम आदमी खरीद सके, अपनी भावना उसमें कितनी है ये नहीं पता चलता, तो आत्मा अभिव्यक्ति। और दूसरी बात है कवि का क्या रोल है समाज में, बिल्कुल उसका क्या योगदान होना चाहिए, वो कहीं पीछे हो रहा था, इस कारण से ये P3 समूह बना। P3 में और धर्म विद्यस्य वयोना वीक्षते कालिदास ने जैसे कहा है जी, कि आपने कहा ना हर उम्र के लोग, हर प्रकार के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, जो व्यक्ति कविता में समृद्ध है, कविता की राह पर आगे बढ़ चुका है, जो समझ सक रहा है या सीख रहा है या प्रयास कर रहा है या संघर्ष कर रहा है जी, वो कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है। पर हाँ, किसी व्यक्ति ने यदि कविता को इंटरप्रेट ही दूसरे तरह से किया, हम गलत है और सही नहीं करें दूसरे तरह से, बिल्कुल हमारा दूसरा तरीका है, हमारा तरीका है कि विचारों के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, पहले अपने और उसके बाद समाज के, ये कवि का रोल हम लोगों ने कहीं ना कहीं बिना परिभाषित किए निर्धारित किया है जी। तो इस ग्रुप में उसी प्रकार के लोग हैं और उसमें तरह तरह के लोग, देश के, विदेश के, इधर के, उधर के, इस आयु के, इस पेशे के जी, सर भाषा, क्योंकि भाषा, ये पिछला एक प्रश्न था उसका उत्तर यहाँ पे आ गया जी, कि भाषाएं जैसे हिंदी और अंग्रेजी में मैं समान रूप से लिख रहा हूँ जी, और मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है, बस हाँ कब क्या लिखता हूँ ये मैं सोच के नहीं लिखता, बिल्कुल जो पहला शब्द आ गया हिंदी का तो हिंदी में लिख दिया, अंग्रेजी के पहले शब्द से प्रारंभ हो गया तो अंग्रेजी में लिख दिया, क्योंकि मैं भाषा को एक सर्वप्रथम टूल के रूप में मानता हूँ, औजार के रूप में मानता हूँ, ना कि इसको कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट के रूप में या फिर किसी और प्रकार के वक्तव्य के रूप में नहीं मानता कि मैं ये भाषा लिखकर ऊपर हो गया या नीचे हो गया, या फिर भाषा तो अभिव्यक्ति का एक कारगर तरीका है, माध्यम है बिल्कुल, तो अभिव्यक्ति में किस प्रकार की आपकी भावना है, किस समय पे क्या चीज़ आपके मन में ऊपर है इस समय,
कुछ चीज़ें ये बात निश्चित है कि सब कुछ हर भाषा में नहीं कहा जा सकता, कुछ विचार आप एक भाषा में कह सकते हैं, कुछ दूसरी में, और दूसरी बात मातृभाषा मातृभाषा रहती है जी, बिल्कुल हिंदी मेरी मातृभाषा है और उसमें जो बातें मैं कह सकता हूँ अंग्रेज़ी में नहीं, तो कुछ बातें अंग्रेज़ी में ही कही जा सकती हैं मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं उस समय अंग्रेज़ी में लिखता हूँ और ये ईश्वर की अनुकंपा है, कृपा है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मैं दोनों भाषाओं में लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए जहाँ पे जो उचित लगता है लिखता हूँ, बिना किसी बाधा के, बिना किसी हिचक के, यही मेरा रास्ता है। और रही बात की इनके प्रकाशन प्रकाशन मैं समझता हूँ कि मंच तो किसी ना किसी प्रकार का चाहिए ही, बिल्कुल तो मंच या तो हमें आजकल टीवी वगैरह है, पर टीवी और ये सब मंच जो हैं इसमें गंभीर कविता का स्थान बहुत सिकुड़ता जा रहा है, लगभग पीछे जा चुका है, जो सामने वाला चाहता है वो हम करते हैं, बल्कि अपनी आत्मिक जो हमारी चीज है वो हम नहीं कर पाते, नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा, बिल्कुल। और बहुत सारे श्रोता इसको केवल मनोरंजन के साधन के रूप में देखना चाहते हैं जी, और ये टीवी और इस तरह के माध्यमों की मजबूरी भी है, हम उन्हें दोष नहीं दे सकते, बिल्कुल। और मनोरंजन अपने आप में कोई निकृष्ट चीज नहीं है, कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है, यदि कविता को मनोरंजन का साधन भी बनाया सकता है तो अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन इस पर उसका एक स्थान होना चाहिए, हाँ उसका अलग स्थान होना चाहिए, और कुछ लोगों को ऐसा भी करना पड़ेगा जैसे आप और हमें जो गंभीर कविता लिख रहे हैं जो कि विचारों के स्तर पर है, विचारों का उन्नयन करने वाली है, विचारों का परिष्करण करने के लिए है और विचारों को किसी एक स्तर से दूसरे पर ले जाने वाली है, जिसको फिलॉसफी कह सकते हैं जी, बिल्कुल, जो कि जीवन दर्शन, जीवन सिद्धांत और जीवन के दृष्टिकोणों के प्रति होनी चाहिए जी। जी मुझे कई बार ऐसा लगता है रुख साहब, जिससे जैसे आप सभी चर्चा हो रही है इस बारे में कि व्यक्ति जैसा जीवन जीता है, जिस स्तर से जीवन जीता है या जिस तरह से वो रहता है जीता है, उसका उसकी लेखनी पर भी उसी तरह से प्रभाव पड़ता है जी, सहमत होंगे मेरी बात से, बिल्कुल जीवन का एक भाग कविता है जी। और अगर आप इसको शब्दों से खेलना चाहें तो कविता का एक भाग जीवन है जी, बिल्कुल हम कविता को जीते हैं और जीवन में कविता से खेलते हैं, ये दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, ये जिस समय हम पृथक करने का प्रयास करेंगे तब वो पेशा बन जाता है, और जहाँ तक हम पूरे इतिहास में देखें जो कविता के बड़े बड़े मान हैं वो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से इस कविता के पेशे से जुड़े हुए हैं जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक चीज़ और अभी इसी बीच में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं, आपके इस कार्यकाल में मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ने, इस यूनिवर्सिटी ने, नेशनल यूनिवर्सिटी ने सांस्कृतिक तौर पर, साहित्यिक गतिविधियों के तौर पर एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। आप हमेशा, हमने देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तौर पर बहुत सारे आप कार्यक्रम कराते रहते हैं, साहित्यिक कार्यक्रम कराते रहते हैं, किसी तरह से आप प्ले करा रहे हैं, आप कवि सम्मेलन वगैरह करा रहे हैं, आप चर्चाएं वगैरह करा रहे हैं, ये जो आप अपने मन से कराते हैं या कैसे किस तरह से करते हैं, बड़ा सीधा सा प्रश्न है जी। डॉक्टर साहब ये नहीं पता मैं अपने मन से करता हूँ या तन से करता हूँ या धन से करता हूँ, पर लेकिन करते तो हैं ना, एक नया सोपान तो है, नया आयाम तो है, नई शुरुआत तो है, बिल्कुल नई शुरुआत है और शायद इसमें एक नई दिशा भी है ये, बिल्कुल। मूलतः पहले तो लॉ स्कूल में साहित्य का बड़ा स्थान कभी पहचाना नहीं गया, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले अपने विश्वविद्यालय को धन्यवाद दूंगा जी, मुझे इसमें स्वतंत्रता दी गई जी, कि आप जो कर रहे हैं वो चाहे बहुत सारे लोगों को ना समझ में आए, हो सकता है आलोचना भी करें, बिल्कुल आप करिए, नहीं वो तरीका है डॉक्टर साहब कि जब आप काम करेंगे तो आपकी आलोचना होगी, निश्चित मान के चलिए जी। तो मैं धीरे धीरे इसमें फिर मैं वही कहूँगा कि कुछ खास सोच विचार नहीं इसके अंदर, वही गीता का सिद्धांत और दूसरा जिस प्रकार से नदी की मैंने आपको तुलना करी, उपमा दी जी, उसी प्रकार से बच्चों के साथ मैं समझता रहा, उनकी नफ्स पे हाथ रखने का प्रयास करता रहा जी, कि उन्हें क्या चाहिए। दो चीज़ें बहुत महत्व की हैं शिक्षक के रूप में जी, एक तो हमें अपने स्तर पे सोचना है या उपलब्ध साहित्य के आधार पर ये निर्धारित करना है कि हमारे छात्रों को क्या चाहिए, क्या चाहिए,
और उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक किताब लेके उसको धार्मिक ग्रंथ मान लें जी, और ये कहें कि अब ये तो आपके गले के नीचे उतारा ही जाएगा और इसी प्रकार उतारा जाएगा जी। बस इन दो चीज़ों में मैंने संशोधन किया और मैंने महसूस किया कि बच्चों में साहित्य के प्रति उत्कट इच्छा है, ललक है जी, और वो उससे जुड़ना चाहते हैं और जीना चाहते हैं। तो मैंने उनको थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ने का रास्ता दिया। शुरू में मुझे उसमें पहल बहुत अधिक करनी पड़ी, यूनिवर्सिटी के साथ बात करनी पड़ी और नए प्रयोग के रूप में लाना पड़ा जी। धीरे धीरे ये सब स्वचालित होने लग गया जी, और विद्यार्थियों को भी पता है कि वो मुझसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, और वो बहुत सारे विद्यार्थी, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष इस बात से है कि बहुत से विद्यार्थी जो पढ़ के जा चुके हैं जी, जो अब अपने अपने काम धंधे में जुटे हुए हैं, वो कभी मिलते हैं तो कहते हैं कि वो मुझे बताते हैं कि हमें जो सबसे ज़्यादा याद है अपने कॉलेज के दिनों की चीज़, वो ये है कि आप किस प्रकार से साहित्य को हमारे जीवन में समाहित करने का प्रयास करते थे और हमें ऐसा अवसर देते थे कि हम किस प्रकार से साहित्य को जी सकें जी, खाली एग्ज़ाम पास करने तक ना सीमित रह जाए। तो उसके लिए मैं उन्हें कविता का मंच प्रदान करता हूँ साल में, पहले तो दो बार हमेशा ही होता था, आजकल ये कोरोना काल में कुछ अनियमितता है इसमें जी, और उनके जो भी संभावनाएं होती हैं, जो भी वो लोग सोच सकते हैं नई चीज़ें करने की, वो प्रोत्साहित करता हूँ। इसी बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि आप भारत की लुप्त हो सी भाषाओं और बोलियों पर बड़ा महत्वपूर्ण काम जी, जी जी ये योजना क्या है? देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो UGC से मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था जी, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के ऊपर जी। दूसरा, यहाँ पे विश्वविद्यालय में हमने एक सेंटर स्थापित किया है जी, सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक जस्टिस एंड एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, और मैं उसका डायरेक्टर हूँ जी। इसको स्थापित करने में भी इसके प्रारंभ से ही मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, मेरे प्रस्ताव पर ही ये स्थापित हुआ था। तो अब ये समझना आवश्यक है कि भाषा क्या है और भाषा को किस प्रकार से देखा जाए। भाषा विज्ञान में, जो आधुनिक भाषा विज्ञान है जी, उसमें भाषा को एक ऐसी वास्तविकता के रूप में देखा जाता है जो बटी हुई नहीं है जी। आपकी जो भी भाषा है, हम दोनों हिंदी भाषी हैं संयोग से जी, मान लिया जाए आप किसी और भाषा के बोलने वाले होते, उड़िया भाषा के होते, आजकल कुछ मैं उड़ीसा होके आया हूँ, एक कविता भी लिखी आपने देखी होगी जी, तो वही मेरे दिमाग में ऊपर था। तो इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि हम किसी प्रकार से ऊपर या नीचे हैं या फिर हम अलग हैं या हमारी भाषाओं में अंतर है। ये मूल सिद्धांत है भाषा विज्ञान का, आधुनिक भाषा विज्ञान का। तो उस सिद्धांत को अगर हम लेके चलते हैं तो हम देखेंगे कि बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे कि भारतवर्ष में 1500 के करीब, 1500, 1600, 1700 अलग अलग उसके अनुमान हैं जी, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं को बोलने वाले या तो अलग कबीलों से जुड़े हुए हैं या क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, और कई बार भाषा, बोली, डायलेक्ट इत्यादि पर बात करी जाती है जी, उन कन्फ्यूजन्स में फंसी हुई है, ये मसला फंसा हुआ रहता है जी। पर इन सबके ऊपर एक वास्तविकता ये है कि बहुत सारी भाषाएं विद्यमान हैं किसी भी समाज में किसी भी समय पर जी, हमारे यहाँ पर भी हैं, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं भारत में जी। अब क्यों खुशकिस्मत है? क्योंकि कोई भी भाषा अपने साथ एक बहुत बड़ा खजाना लेके चलती है जी, वो है उस भाषा से संबंधित अनुभव, पौधों की जानकारियाँ जैसे दवाइयों की, वनस्पतियों की, औषधियों की, भोजन की, संस्कृति की, और दृष्टिकोण की, बिल्कुल, और फिलॉसफी की, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी भाषा लुप्त हो जाती है तो हजारों वर्षों की वो परंपरा एक झटके में, एक समय में समाप्त हो जाती है। बिल्कुल, हम अपने इतिहास को ये कहें कि संरक्षित नहीं कर पाए जी, ये आरोप ही हमारे पर है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो, और खैर वो एक सीमित बात हो सकती है जी, पर अगर हम अपने आप को एक मानव के रूप में देखें सर्वप्रथम,
तो मानवता का नुकसान है वो। मानव जाति के पास से धरोहर चली गई, भाषा चली गई। तो बिल्कुल, तो इस कारण से इन भाषाओं को और हर एक भाषा को जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारे लाभ में भी है। इसको पूरी दुनिया पहचान रही है, यूनेस्को ने भी पहचाना, हमारी सरकारें भी पहचान रही हैं, उसी के तहत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार ने जी इसके लिए चलाए, और सौभाग्य रहा कि मैं भी उससे जुड़ पाया। जैसे लगभग 14 विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में ही ऐसे काम कर रहे हैं, और ये 100 करोड़ रुपए के करीब का कम से कम अनुमान है कि बजट रहा होगा इसका। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये जो भाषाएं हैं, अब दूसरा प्रश्न है कि विलुप्त क्यों होती हैं, विलुप्त प्राय कैसे हो जाती हैं। इसके बहुत से कारण हैं, सबसे बड़ा पॉलिटिकल कारण होता है जी। जैसे कि पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली कोई समूह, कोई भाषाई समाज जो है छोटा होने लगता है, तो फिर एक एसिमिलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बिल्कुल, जैसे कि आज भी हम देख रहे हैं दिल्ली में हर व्यक्ति को हिंदी आना लगभग आवश्यक है, हम मानते हैं कोई नुकसान नहीं, आनी चाहिए। पर साथ ही साथ क्या है कि जो छोटी छोटी बोलियां वाले, हमने देखा कि लगभग 200 बोलियां बोली जाती हैं पर दिल्ली में, दिल्ली आपको आश्चर्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक अब ये जो बोलियां हैं, अब वो धीरे धीरे क्या होता है कि पहले लोग उसको घर तक सीमित रखते हैं कि खाली घर में बोली जा रही है या अपने दोस्तों से बोल रहे हैं, मार्केट में या फिर स्कूल में बंद होती जा रही है बोलियां। उसके बाद एक समय ऐसा भी आता है कि घर में भी, जैसे आप शायद और भाषाओं के विषय में भी जान सकते हैं, बिल्कुल हिंदी भाषी लोगों में भी कई लोग ऐसे हैं वो घर में कहते हैं नहीं नहीं आप अंग्रेजी बोलिए, बिल्कुल बच्चों से अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदी में नहीं बोल रहे हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि इससे, अंग्रेजी बोलने से सबसे बड़ी चीज़ उन्हें लगता है कि बच्चों के भविष्य में काम धंधे के, नौकरी के, रोजगार के जी अवसर बढ़ेंगे जी, तो वो उसको मिस इंटरप्रेट कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं उसको गलत मूल्यांकन कर बैठते हैं उसका। वो ये भूल जाते हैं कि भाषा केवल भाषा नहीं है, वो एक संस्कृति का माध्यम भी है। बिल्कुल, अगर आप संस्कृति से जुड़ गए, कट गए, अपनी जड़ों से कट गए, अपनी वास्तविकता से, अपनी पहचान से, हर चीज से कट गए, तो आप कुछ अधिक नहीं रह पाएंगे। ये बात वो लोग भूल जाते हैं जी। तो पर कुछ लोगों की तो मजबूरी बन जाती है। समाज सबके साथ फेयर हो, सबके साथ न्याय करता हो, ऐसा नहीं है, और वो सब कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो इस विषय पे तो बहुत बोला जा सकता है, पर संक्षेप में ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जिसके कारण से कि भाषाओं को संकट में आना पड़ जाता है। इसी बीच एक और छोटा सा सवाल है साहब मेरा, कि पीछे आपने रोमा भाषा का एक जो जाति है, तो उनका एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन कराया था दिल्ली में, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। उसके विषय में कुछ बोलने से पहले जी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा आपने एक रोमा मित्र मार्शल कोटियाडे को, जो पेरिस में स्थित थे और अभी लगभग इस महीने मार्च के शुरुआत में जिनका निधन हो गया। उनके साथ किया था वो, जो आपको याद है, स्मरण है, बिल्कुल कार्यक्रम। देखिए सबसे पहले रोमा क्या है ये हम लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, छोटा सा। हम चाहते हैं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल पर जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं वो कम से कम उस विषय में थोड़ा सा जान जाए। देखिए एक शब्द आपने और अधिक तक दर्शकों ने सुना होगा, जिप्सी। जी बिल्कुल, तो जो जिप्सी जाति कह दीजिए, जिप्सी समुदाय बेहतर है कहना जी, जिप्सी समुदाय के लोगों, जिप्सी वर्ड जो शब्द है ये अच्छा नहीं है, इसलिए स्वयं को रोमा शब्द से संबोधित करते हैं हमारे रोमा भाई बहन जी। रोमा एक बहुत ही विशिष्ट समुदाय है जी, ऐसा माना जाता है कि इनका उद्गम भारत से ही है, लगभग 1,000 वर्ष पूर्व, 1,000 साल हो चुके लगभग जी। ये कन्नौज से और अलग अलग स्थानों से जी कई लहरों में यूरोप तक पहुँचे जी। कैसे पहुँचे उसके कई इतिहास हैं, कई कहानियां हैं और बड़ी बड़ी कहानियां हैं, जैसे कि उन्हें गुलामों के रूप में भी बेचा गया जी मिडल ईस्ट में, अगवा करके ले जाया गया कारीगरों के रूप में जी, कि आप आइए आप अच्छे कारीगर हैं,
प्रकार प्रकार से, इसी प्रकार से इसी तरह का एक ग्रुप है जिसको हम सिंटी कहते हैं। सिंटी, सिंटी वास्तविकता में सिंधी। अच्छा, वर्ड जो शब्द है सिंधी उसी से सिंटी बन गया जी। तो यूरोप के अंदर ये कई लहरों में गए और हो सकता है इनके और भी उद्गम रहे हों, क्योंकि ऐसा कोई इतिहास नहीं अभी तक स्थापित हो पाया है जी। भाषा की समानताएं अवश्य हैं जी जी। जैसे यदि आप इनसे बात करेंगे, रोमा भाषा में बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये कहेंगे जैसे आव, जाव, खाव, इनका अर्थ आप समझ गए होंगे। बिल्कुल, आना जाना खाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी समानताएं हैं, और भी बहुत समानताएं हैं, तो उनका अध्ययन कर रहे हैं। मैं अभी भी एक विद्यार्थी, मेरा PhD प्रारंभ करने का प्रयास कर रहा है इसमें, पर एक एक उसके विद्वान का जो प्रयास होता है, लॉस होता है, वो बहुत बड़ा है। जैसे बिल्कुल मार्सेल कोटियाडे की बात हमने अभी करी, उनको भी आपने श्रद्धा दी, हमने शब्दों में अर्पित की। तो ये जो समूह है ये बहुत महत्व का है हम लोगों के लिए भी, क्योंकि खाली उनको अपनी जड़ों को पहचानने की आवश्यकता नहीं है, हमारी वो हमारा ही एक भाग है, ये भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि ये नैतिक जिम्मेदारी भी है हम लोगों की, हमें भारतवासी होने के नाते जो कुछ किया जा सकता है इस समूह के लिए। और ये लोग सबसे अधिक तो पहचान चाहते हैं जी जी। बल्कि मैंने तो एकाध सभा में ये भी कहा कि इन्हें ओवरसीज इंडियन या फिर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की पहचान से जोड़ा जाए अपने आप से। और हमें बिना कुछ किए इतने सारे एम्बेसडर्स मिल जाएंगे दुनिया भर में अपने। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग, इनमें एक बहुत प्रोमिनेंट सेंटिमेंट है कि भारत की ओर देखने का। और दूसरी बात है कि मानवाधिकार की बात जहाँ तक की जाए जी, तो एक मानवाधिकार का मसला भी है ये। पुराने समय में तो इनके साथ बहुत क्रूरताएं होती थी। बिल्कुल। जैसे कि मैंने ऐसी कहानियां सुनी कि अगर ये ग्रुप कहीं पे पहुंचता था, ये खाना बदोश और गाड़ियां लेके चलते थे, जैसे हमारे यहाँ पे गाड़ियां लोहार समुदाय के यहाँ गाड़ियां होती हैं, लगभग वैसी गाड़ियां। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कई बार क्या करते थे गांव के लोग यूरोप में, कि एक आध जिप्सी शब्द का फिर प्रयोग करूँ, जिप्सी व्यक्ति को पकड़ लेते थे जी, उसे मार के और पेड़ पे टांग देते थे। अच्छा। जैसे कि बाकी लोग डर के भाग जाएं। भाग जाएं। तो इस प्रकार की तक की चीज़ें सुनने में आई इन हजार सालों के दरमियान जी जी। और अभी भी उसके बाद हिटलर ने बहुत जुल्म किए इन पे। हिटलर ने केवल यहूदियों पर ही नहीं बल्कि और भी कई समुदायों के ऊपर जुल्म किए थे, कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला था, उसमें से एक ये भी समुदाय था। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर हम आज के समय में आ जाएं जी, तो वहाँ की सरकारों के पास कुछ योजनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं सोच रही। बिल्कुल। पर समाज में अभी भी एक भेदभाव का वातावरण है। भेदभाव का, जागरूकता भी कह सकते हैं डॉक्टर साहब, जागरूकता का भेदभाव है। बल्कि मैंने स्वयं देखा एक जिप्सी महिला के साथ अभद्र व्यवहार होते हुए जी। अभद्र इस प्रकार से कि एक शॉपिंग मॉल में गए हम पेरिस में जी, तो वो वयोवृद्ध महिला थी, वो अपने पारंपरिक परिधान में थी लगभग, जो उनका पारंपरिक परिधान भी अब पूरा पारंपरिक नहीं है, जो ना तो वहाँ का दिखेगा ना थोड़ा सा आधुनिक और पारंपरिक में एक तरह एक बीच का सा होगा, थोड़ा सा अंतर, पर इतना वो काफी था कि वो लोग पहचान सकते कि भाई हाँ ये रोमा लोग हैं। तो उन्होंने मुझे, मेरे बच्चों को कुछ उपहार देने के लिए छोटी सी चीज वो ढूंढ रही थी, तो वो जो कुछ पूछ रही थी उसका बड़ा ऐसा प्रयासपूर्ण उपहास में उड़ा देने वाला उत्तर दे रहे थे वहाँ के सेल्समैन, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने थोड़ा सा कड़ाई से उनसे कहा, मैंने कहा आपका ये क्या तरीका है बात करने का जी जी। तो वो एकदम से सावधान हुए, पर उनको इतनी आदत हो चुकी थी ये सब सुनने की, सहने की। बिल्कुल। तो उन्होंने कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं दिलाई, पर मैं उसमें स्पष्ट था कि जो भी वहाँ की कानून में संभावनाएं हैं उनका प्रयोग किया जाए यदि ये इस प्रकार से करते रहेंगे तो। बिल्कुल। तो खैर वो सावधान हो गए थे, पर ये छोटा सा ऐसे छोटे ऐसे ऐसे उदाहरण है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये उदाहरण केवल यही नहीं कि आपको वहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा भेदभाव, थोड़ा या बड़ा भेदभाव का सामना करना पड़ता है, बल्कि मैंने ऐसे विद्यार्थी देखे, ऐसे देखे 20-25 साल के बच्चे, कि वो कभी उन्हें कोई पढ़ाई नहीं की उन्होंने,
स्कूल नहीं गए, स्कूल पता चलता है स्कूल जाते हैं थोड़े समय के बाद, वहाँ पे जो शिक्षकों का उनके प्रति व्यवहार है बाकी बच्चों का वो छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल, अभी कोरोना काल के अंदर ही सबसे ज़्यादा उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जी ये फैला रहे हैं कोरोना। हाँ ये तो आप बहुत सारी जगह देख सकते हैं। इसीलिए चौक साहब पे पुनः आपको वापस लेकर आना चाहूँगा। जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि हिंदी साहित्य में आज का जो हिंदी साहित्य है और आने वाले जो हमारे जो हिंदी के साहित्यकार हैं, विशेष रूप से मैं हिंदी की बात आपसे कह रहा हूँ, या जो नया लेखन हो रहा है, जो नए जो हमारे साहित्यकार किसी विधा के आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या संदेश है उनके लिए? देखिए, हिंदी को जीना आवश्यक है जी, केवल एक पेशेवर रूप से ही लेने से काम नहीं चलेगा। अभी हम देखते हैं कि हिंदी में लगभग हर शिक्षक हिंदी का वो लेखक हो जाता है या कवि हो जाता है हिंदी का, अच्छी बात है, होना चाहिए, बहुत उनकी डेडिकेशन इससे स्पष्ट होती है। बिल्कुल, पर जब हम पीछे इतिहास में देखें तो हमारे जो साहित्यकार हैं कोई बिल्कुल निपट अनपढ़ थे, बिल्कुल कोई, चलिए अनपढ़ को छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे। बिल्कुल, तो ये जन जन तक पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए कि उसके अंदर एक साहित्यकार है। ये केवल एक, आप PhD करके साहित्यकार नहीं बन सकते। बिल्कुल, और PhD और साहित्य का कोई लेना देना ही नहीं है, संबंध नहीं है, अगर हम मैं इस सीमा तक जाके कहने लोगों को। बिल्कुल, दूसरा एक मानक हिंदी और एक बोलचाल की हिंदी, इससे भी इसकी भी सीमाएं हमें समझनी चाहिए जी। मानक हिंदी का अपना रोल है, अपना योगदान है, पर वो एक बाधा नहीं बन जानी चाहिए। जैसे हमने देखा कि ऑल इंडिया रेडियो आदि जो सरकारी माध्यम थे जी, उन पे एक इस प्रकार की हिंदी बोली जाती थी, या फिर जैसे मैं भी बोल रहा हूँ कुछ कुछ, हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक सीमा है, कुछ आदत है, क्या किया, हाँ, तो उससे बहुत सारे लोग कट गए। बिल्कुल, और उसके बाद जो प्राइवेट चैनल आए, अब वो भाषा को मिला के बात करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाषा जो है वो उसको बिल्कुल जला मिला दिया ही जाए, वो आवश्यक है, और कुछ शब्दों को हम भूल ही जाए हिंदी के, यदि ये तो मानक हिंदी के हैं, पर इनके बीच में कहीं पे संतुलन बैठाना आवश्यक है। और साहित्य को एक इतना गंभीर चीज के रूप में नहीं लेना चाहिए, इसे जीवन जीने के भाग के रूप में लेना चाहिए। अभी स्थितियां इस और अधिक हैं, एक तो हम भाषा में बहुत अधिक स्टिफनेस लाए हुए हैं, बिल्कुल कड़ापन लाए हुए हैं, लचीलापन नहीं है उसमें जी, जिसे हम मानक हिंदी कहते हैं। और दूसरी बात है कि हम साहित्य को बहुत ही एक बड़ी चीज मानकर चलते हैं, माननी भी चाहिए, इसमें भी संशय नहीं है, पर जी वो लोगों की और आम लोगों की पहुंच से दूर ना हो जाए, ये ध्यान रखना चाहिए जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से आप हिंदी की बात कर रहे हैं कि हिंदी को इस तरह से होना चाहिए, व्यावहारिक हिंदी, मानक हिंदी, सारी चीज़ें, मैं पूर्ण तो आपके सवाल से सहमत हूँ। चूँकि आज के रूबरू कार्यक्रम के साक्षात्कार के हम अंतिम दौर पे हैं, मैं पुनः अपने उसी प्रश्न को एक बार दोहराता हूँ कि हमारे जो हिंदी भाषा के नए साहित्यकार हैं, जो किसी भी विधा में लिख रहे हैं, उनके लेखन के लिए उनको कैसे लिखना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने संदेश को दोहराना चाहूँगा सबसे पहले जी, कि आप अपने एक नागरिक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, एक विचारशील मनुष्य के रूप में पहले आप सोचिए, अपने परिवेश को देखिए, पहचानिए, समझिए, उसका उसको तोलिए, उसका मूल्यांकन करिए, और उसके बाद आपके पास कोई बात है कहने के लिए तो उसे बेझिझक कहिए, और कहने का माध्यम साहित्य है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। साथियों, आज हमारे साथ हमारे YouTube चैनल रूबरू में हमारे साथ थे देश और दुनिया के
प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रसन्न सू जी, आपसे उनके जीवन के उन बहुत सारे अनछुए पहलुओं पर बात की, उन चाहे उन अनछुए प्रश्नों पर बात की और बड़ी बेबाकी से बात की। आज आपकी आज की मुलाकात में बस इतना ही। कल किसी और अन्य शख्सियत के साथ एक बार पुनः आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।